वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं न्यू रेसिपी टमाटर की, तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले जाएगा तेल, जाएंगे इसमें तेल डाल दिया है। अब इसमें जाएंगे टमाटर, ये रहे टमाटर। तो फिर टमाटर डाल दो तेल में, मतलब अच्छे से पका लो। आपको लेने हैं 12 लहसुन, 12 लहसुन पूरे, 12 लहसुन। इसको भी हम तेल में पका लेंगे। टमाटर को तलने के बाद अच्छे से पका लेना है, फिर इसमें तेल में डालना है लहसुन, 12 लहसुन। लेकिन मेरे पास कम है इसलिए मैं 4-5 डाल रहा, क्योंकि मेरे पास कम चटनी। उस जितना आपके पास रहेंगे उस हिसाब से डालना। इसको भी अच्छे से गर्म कर लेना। ये लहसुन है, अच्छे से पका लेना फिर निकालना। फिर लहसुन को जो एकदम बारीक कर लो और उस चटनी में डाल दो इसमें। और इसको अच्छे से सूप बना लो, इसका बारीक सूप। ये सूप बन के रेडी हो चुका है। ये थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, कोथमर देना है, थोड़ा प्याज, और गरम तेल पे डाल देना है सबको। बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा मसाला डाल देना आपके हिसाब से। इसको ऐसे अच्छे इसमें डाल दो। नमक डाल देना है और ये जो चटनी है इसमें भी थोड़ा डाल देना है आपके स्वाद अनुसार। तक रखना और फिर निकाल के इसी सूप में डाल देना। नहीं, फिर पूरी तैयार हो जाने के बाद इसी में डालना और अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देख सकते हो आप रिजल्ट, चटनी कैसी है। आपको आराम से खाना है, आराम से खाना, नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।